गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिग्मा टॉपिक शिफ्ट ऑफ अल्किल ग्रुप। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था सिग्मा टॉपिक शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन, तो उसमें हमने हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कराई थी। इसमें हमें करानी है अल्किल ग्रुप की शिफ्टिंग। सब कुछ प्रोसेस सेम होगा इसमें, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के बीच में। चलिए उसको जब आएगा मैं बताता हूँ, शुरू करते हैं इसे हम। सबसे पहले हम एग्जांपल वाली लेते हैं, ये CH2 हमारा, इसे लगा हुआ ये अल्किल ग्रुप जिसे हमें यहाँ से शिफ्ट कराना है, ये डबल बॉन्ड CH2। तो अगर हम इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को दें, ये हो जाएगा CH2 माइनस, दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा CH और ये डबल बॉन्ड CH2। फिर अगर इस रिएक्शन को हम आगे बढ़ाएं, ये माइनस अपना बॉन्ड इधर, ये अपना माइनस जो इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन वो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन देकर इधर बॉन्ड बनाए, तो ये बॉन्ड इधर मूव हो जाएगा, इस पर आएगा माइनस, फिर ये जो R है ये R इससे लग जाएगा, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा R। तो फिलहाल हमें इसी का काम है, ये हमने पिछली वीडियो के अकॉर्डिंग हमने ये सब देख लिया है। तो अब इसमें क्या होगा, ये R है हमारा, इससे पहले वाले में था ये H। मैं इसमें बता दूं, पहले वाले में क्या था, जो हमारी हमारा जो ऐसे ऑर्बिटल होता था इसको हम प्लस वाले में इस तरह गोल दिखाते थे, क्योंकि एस ऑर्बिटल एच जो है उसमें एस ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन है उसमें एस ऑर्बिटल होगा, तो वो गोल होता था, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, तो इसलिए हम इसको स्फेरिकल यहाँ पर दिखाते थे। और प्लस यहाँ पर, अगर प्लस यहाँ पर होता था तो इससे यहाँ पर बॉन्डिंग, यहाँ पर बॉन्डिंग होकर यहाँ से, ये पहले वाली वीडियो में होता था ऐसा। लेकिन इस वाले में क्या होगा, यहाँ पर है हमारा अल्किल ग्रुप, अल्किल आर जो हमारा अल्किल ग्रुप है, तो उसमें आएगा हमारा पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल होता है तो डंबल की तरह इस तरह से अब हमें इसको दिखाना है, इस आर को। तो अब हम पहले इसमें देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन कितना है, कार्बन 3 है, इलेक्ट्रॉन कितना है 4, तो वे फंक्शन हमारे कितने हो जाएंगे 3। यहाँ पर हो जाए हमारा वे फंक्शन Psi1 और ये Psi2, ये Psi3 स्टार, ये बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, इसके लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन को फिल कर दो हम, फिल इलेक्ट्रॉन की फिल कर देते हैं हम, दो चार, दो इसमें, तो ये वाला हम, ये सब पिछली वीडियो में सब कुछ हो चुका है भाई। इसमें मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये अल्किल ग्रुप है तो क्या डिफरेंस आएगा। ये Psi2 है हमारा फर्स्ट एंड लास्ट डिफरेंट, ये फर्स्ट प्लस, ये वाला माइनस, तो यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर आएगा माइनस। हाँ, अब बात हो रही थी इस अल्किल ग्रुप की, जो हमारा ये पी ऑर्बिटल आएगा ये डंबल वाला, तो अभी तक हमारा हाइड्रोजन होता था तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन लिखकर यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर ये स्फेरिकल होता था, लेकिन अब यहाँ पर है हमारा अल्किल ग्रुप, तो वो उसमें होगा हमारा पी ऑर्बिटल, तो वो होगा यहाँ पर डंबल के साइड का इस तरह से। अब इसमें बॉन्डिंग है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग है, तो इसमें होगा प्लस और इस वाले में माइनस। तो अब इसकी जब शिफ्टिंग होने वाली है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से 1-3 हो रही है ना, 1-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है ये। जब इसकी शिफ्टिंग हो रही है यहाँ से यहाँ तक, तभी अब ये उसी तरह से दो तरह का होगा, सुपरफेशियल और इंटरफेशियल। तो हम यहाँ से पहले सुपरफेशियल बना लें, इधर ये हो जाए हमारा सुपरफेशियल और इसके इधर हम दूसरा बना लें इंटरफेशियल। तो हम इसको पहले बना लें यहाँ पर, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस। अभी इस ऑर्बिटल को हम ऐसे ही रखें, यानी कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये हो जाए यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, तो इससे तो बॉन्डिंग होगी यहाँ पर प्लस से प्लस, और यहाँ से प्लस से माइनस होगी एंटी बॉन्डिंग। तब यहाँ से प्लस से प्लस, प्लस से माइनस, तो सिमेट्री क्या होगी, फॉरबिडन, यहाँ पर सिमेट्री हो जाएगी फॉरबिडन, और ज्योमेट्री सुपरफेशियल ही अलाउड होती है, तो ज्योमेट्री हो जाएगी हमारी अलाउड। ये हो गया हमारा क्या, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अभी हम इसको इन्वर्जन करा के देख लें, तो
अल्किल ग्रुप में यही होता है कि ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन होता है और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन दोनों होता है। तो अभी हम इसको इन्वर्ट करा के देख लें, यहाँ पर लिखें इन्वर्जन। तो ये वाला प्लस ये वाला माइनस। अब ये जो हमारा पी आर्बिटल अल्किल ग्रुप वाला है जो यहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ पर लगने वाला है, अब इसको हम इन्वर्ट कराएं कुछ इस तरह से। तो इसमें आएगा इधर प्लस इधर माइनस, तो अब क्या होगा, ये इससे प्लस से प्लस क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग। अब ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग, दोनों में बॉन्डिंग। तो सिमेट्री अलाउड हो जाएगी, हमारी सिमेट्री जो है वो अलाउड, ज्योमेट्री भी हमारी अलाउड हो गई। तो ये हमारा थर्मल कंडीशन में है, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया इन थर्मल कंडीशन। तो थर्मल कंडीशन में सुपराफेशियल इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन में ये अलाउड होती है। तो अब हम इंटरफेशियल का देख लेते हैं। यहाँ पर इंटरफेशियल में क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट एंड लास्ट ये वाला है, इसमें प्लस इसमें माइनस इसमें प्लस इसमें माइनस। अब हम इसको इसके बीच में बनाते थे ना, इंटरफेशियल में ऊपर से नीचे होता था। तो इसमें हमारा क्या है, माइनस है, इसमें प्लस है। तो ऊपर से नीचे अब हमें इसकी सिमेट्री दिखानी है। तो यहाँ से ऊपर से प्लस वाला में जाएगा और इस प्लस से इस वाला प्लस में आएगा, तो यहाँ पर सिमेट्री अलाउड है, सिमेट्री अलाउड है इसकी। और ज्योमेट्री तो आपको पता है, या तो फॉरबिडन या तो डिफ़िकल्ट, जो लिखना हो लिख लीजिए। लेकिन जब हम इसके लिए वो लिखते हैं सिलेक्शन रूल, तब अगर सिमेट्री अलाउड होती है तो उसमें लिखा जाता है कि ये अलाउड है। अभी मैं जब सिलेक्शन रूल बताऊंगा, दिखाऊंगा यहाँ पर टेबल बनाकर, तब उसमें ये दिखाएगा कि ये अलाउड होता है थर्मल कंडीशन में, इंटरफेशियल ये अलाउड होता है और ये अलाउड नहीं होता है, और रिटेंशन में और इन्वर्जन में ये वाला अलाउड होता है। अब इसका देखें, ये वाला फॉरबिडन होगा। ये वाला प्लस ये वाला माइनस तो सेम रहेगा। अब इसका जब इन्वर्जन करा रहे हैं तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस था, तो इसका इन्वर्ट कराएंगे तो ऊपर हो जाएगा, प्लस ऊपर माइनस नीचे हो जाएगा। तो प्लस यहाँ पर और माइनस यहाँ पर, तो अगर आप इसको ऊपर से नीचे अगर कराएंगे तो इस प्लस वाले से इस माइनस वाले पे जा रहे हैं, फिर माइनस वाले से प्लस पर आ रहे हैं, तो इसकी सिमेट्री मिल नहीं रही है। तो इसकी सिमेट्री फॉरबिडन हो जाएगी। जब सिमेट्री फॉरबिडन हो जाती है तो हमारी रिएक्शन वो भी फॉरबिडन हो जाती है। तो अब इसमें देखिए, अब थर्मल कंडीशन में सुपराफेशियल ये सिमेट्री फॉरबिडन है, तो ये वाला हो जाएगा फॉरबिडन। थर्मल कंडीशन में सुपराफेशियल इन्वर्जन में सिमेट्री अलाउड है, तो ये वाला हो जाएगा अलाउड, थर्मली अलाउड होगा। ये थर्मली अलाउड होगा और ये थर्मली फॉरबिडन। अब थर्मल कंडीशन में इंट्राफेशियल ये वाला, इंट्राफेशियल रिटेंशन में ये वाला अलाउड होगा, थर्मली अलाउड होगा। अब इन्वर्जन में देखें, थर्मल कंडीशन में इंट्राफेशियल इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो ये थर्मली फॉरबिडन होगा। यही चार हुआ है यहाँ पर, ये थर्मली फॉरबिडन, थर्मली अलाउड, ये थर्मली अलाउड, ये थर्मली फॉरबिडन, ये रिटेंशन का, ये इन्वर्जन का, ये सुपरफेशियल, ये इंट्राफेशियल, और ये है थर्मल कंडीशन का। अब हम देखते हैं फोटोकेमिकल कंडीशन में, 1-3 सिंगल ट्रॉपिक का ही फोटोकेमिकल कंडीशन में। तो फोटोकेमिकल क्या होगा, तो यहाँ पर थर्मल हटा के फोटोकेमिकल कर दूँ मैं। फोटोकेमिकल हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा। फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आ जाएगा Ψ3 में, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो होमो अब ये वाला ना होके होमो ये वाला हो जाएगा, ये सब आपको पिछली वीडियो में पता है। तो अब Ψ3 में ये वाला प्लस है, तो ये वाला भी प्लस होगा, ये वाला दोनों माइनस। सुपरफेशियल में क्या होगा, ये वाला प्लस और ये वाला प्लस, तो अब प्लस से प्लस हो रहा है और प्लस से यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी बॉन्डिंग होगा और यहाँ पर भी बॉन्डिंग होगा,
ये भी बॉन्डिंग प्लस से प्लस और प्लस से प्लस ये भी बॉन्डिंग, तो यहाँ पर सिमेट्री फॉरबिडन दी है, वो सिमेट्री अलाउड हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी अलाउड। और ये थर्मली फॉरबिडन था तो फोटोकेमिकली अलाउड हो जाएगा, ये स्न्यू में अलाउड हो जाएगा। ये अब बात कर लेते हैं इसकी, ये प्लस थोड़ा डिफरेंस हो रहा है ना हमारा इसमें, ये प्लस और ये प्लस ये वाला माइनस है और ये वाला माइनस। अब देखो इस प्लस से ये प्लस, अब ये प्लस से ये माइनस जा रहा है, तो सिमेट्री यहाँ पर जो अलाउड थी वो सिमेट्री होगी फॉरबिडन। अब जो यहाँ पर थर्मली अलाउड था वो फोटोकेमिकली क्या हो जाएगा, फॉरबिडन हो जाएगा। ये स्न्यू की कंडीशन में क्या होगा, ये वाला फॉरबिडन हो जाएगा। ये हो गया रिटेंशन का। अब हम देखते हैं इन्वर्टन में क्या होगा, ये वाला तो सेम रहेगा क्योंकि ये इन्वर्ट हुआ है, और ये वाला जो हमारा डिफरेंस हो रहा है फोटोकेमिकल की वजह से, तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला प्लस, ये वाला हो जाएगा माइनस और ये वाला माइनस है ही। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये भी अलाउड, ये भी अलाउड, तो सिमेट्री अलाउड है नहीं, यहाँ प्लस से प्लस ये वाला बॉन्डिंग और प्लस से माइनस ये हो जाएगा यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग, तो सिमेट्री यहाँ पर अलाउड थी तो यहाँ पर हो जाएगी सिमेट्री फॉरबिडन। ये सिमेट्री फॉरबिडन हो गई और ज्योमेट्री जो है वो अलाउड हो जाएगी। ज्योमेट्री तो सुपरफेशियल वाली अलाउड होती है। तब ये थर्मली अलाउड था इससे पहले वाले में, जब थर्मल कंडीशन में हमने किया था तो ये थर्मली अलाउड था, तो अब प्लस माइनस, अब जब सिमेट्री फॉरबिडन हो गई है तो फोटोकेमिकली ये फॉरबिडन हो जाएगा। फॉरबिडन अब इंटरफेशियल में देखते हैं, ये वाला प्लस, फिर ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, और ये प्लस माइनस ऐसे ही रहेगा। अब ये प्लस से माइनस जाएगा, हाँ अब इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, हम यहाँ इसको हटाएं, ये प्लस से प्लस इधर और ये नीचे वाला नीचे थे, माइनस से माइनस, तो यहाँ पर ये प्लस से प्लस डम्बल और ये माइनस से माइनस, तो यहाँ पर सिमेट्री जो अभी फॉरबिडन थी ये सिमेट्री हो जाएगी हमारी अलाउड, सिमेट्री अलाउड हो जाएगी। जब सिमेट्री अलाउड हो जाएगी तो फोटोकेमिकली ये थर्मली फॉरबिडन थी इससे पहले में, तो इसमें फोटोकेमिकली क्या हो जाएगी, अलाउड हो जाएगी, फोटोकेमिकली ये अलाउड हो जाएगा। डिफरेंस आपको दिख रहा होगा ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जैसे कि पहले थर्मली फॉरबिडन था तो फोटोकेमिकली अलाउड हो गया, यहाँ पर थर्मली अलाउड था तो फोटोकेमिकली फॉरबिडन हो गया, तो ऐसे ही सब हो रहा है। ये हो गया अपन थ्री का, थर्मल कंडीशन में, फोटोकेमिकल कंडीशन में, रिटेंशन, इन्वर्जन, सुपरफेशियल, इंटरफेशियल में हो गया। ये हो गया हमारा 1-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट ऑफ अल्किल ग्रुप। 1-3 में कैसे शिफ्ट होगा, यानी कि 1-3 और 1-7 दोनों फोरेन सिस्टम है, दोनों में कैसे शिफ्टिंग होनी है, दोनों सेम तरीका है। ये हो गया 1-3 का। अब मैं दिखाता हूँ 4N+2 का, यानी 1-5 का। अब देखते हैं 1-5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट ऑफ अल्किल ग्रुप। तो रिएक्शन 1-5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट की कैसी है आपको पता है, तो यहाँ पर हमारा ये रिएक्शन जो हमारी नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, कार्बन कितना है यहाँ पर हमारा 5, तो हमारा वेव फंक्शन कितना हो जाएगा, वेव फंक्शन हो जाएगा हमारा 5, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, 2, 4, 2, 6। अब मैं वेव फंक्शन को यहाँ पे दिखाऊँ, Psi1, Psi2, ये रहा Psi1, Psi2, Psi3, Psi4, Psi5, ये दोनों हूँ एंटी बॉन्डिंग, ये बीच वाला नॉन बॉन्डिंग, ये दोनों बॉन्डिंग। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें अब हम, 2, 2, 4, 2, 3, 6। ये थर्मल कंडीशन में है, अब लिख दीजिए नंबर 1 इन थर्मल कंडीशन। तो इसमें ये वाला हो जाएगा हमारा होमो, होमो का Psi3 प्लस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस। तो इसमें जो अल्किल ग्रुप का यहाँ में माइग्रेट होगा, तो इसे बॉन्डिंग में है तो यहाँ पर प्लस और ये वाला माइनस।
तो इसके होने के दो तरीके, सुपरफेशियल और इंटरफेशियल। इधर हमारा सुपरफेशियल, और इधर हम लिखते हैं इंटरफेशियल। और इधर हमारा ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये रिटेंशन है। तो ये शाही थ्री और है, तो दोनों में किनारे लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट वाले में दोनों में सेम साइन, प्लस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें हमारा इसमें माइनस, इसमें प्लस। तो देखो ये प्लस से प्लस ये वाला बॉन्डिंग, और इधर भी प्लस से प्लस ये भी बॉन्डिंग, तो इधर हो जाएगी सिमेट्री अलाउड, ज्योमेट्री भी अलाउड। अब इंटरफेशियल में देख लेते हैं, ये रहा प्लस और ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, ये रहा माइनस, इसको उठाकर हम सीधे इसमें ऐसे रख दें, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस। तो आप इसको किसी भी तरह से करोगे तो इसकी सिमेट्री अलाउड नहीं होगी। अगर इधर प्लस से प्लस करोगे तो प्लस से माइनस जा रहा है, प्लस से माइनस करोगे इधर भी प्लस से माइनस है, तो इसकी सिमेट्री अलाउड नहीं होगी। यहाँ प्लस से प्लस, यहाँ प्लस से माइनस, तो इसकी सिमेट्री फॉरबिडन। इसकी सिमेट्री हो जाएगी फॉरबिडन। ज्योमेट्री आपको पता है डिफ़िकल्ट या फिर फॉरबिडन, लेकिन जब हम लिखते हैं सिलेक्शन रूल तो उसमें ये अगर ज्योमेट्री अलाउड होती है तो वो अलाउड लिखते हैं, अगर सिमेट्री अगर अलाउड होती है तो ये थर्मली या फोटोकेमिकली अलाउड लिखा जाता है, अदरवाइज ये फॉरबिडन लिखा जाता है। ये सिमेट्री से देखते हैं हम इसे। ये हो गया हमारा रिटेंशन का। हम देख लेते हैं यहाँ पर इन्वर्जन का। हाँ तो इसकी बात कर लें, इसमें सिमेट्री और ज्योमेट्री दोनों अलाउड है, तो ये थर्मली अलाउड हो जाएगा। थर्मली अलाउड होगा सुपरफेशियल में, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में। अब ये देखिए ये थर्मली क्या होगा, सिमेट्री इसकी फॉरबिडन है तो ये थर्मली फॉरबिडन हो जाएगा। ये हो गया। अब रिटेंशन ऑफ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। इसको हम प्लस को इस तरह से घुमा दें, प्लस को नहीं, प्लस माइनस इधर जो डंबल है इसको हम इस तरह से घुमा दें, इन्वर्ट करा दें, जो हमारा इन्वर्जन है ये इसमें प्लस इसमें माइनस। तो इसमें तो ये प्लस से प्लस बॉन्डिंग, लेकिन ये प्लस से माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो इसकी सिमेट्री क्या हो जाएगी, सिमेट्री फॉरबिडन। ज्योमेट्री इस तरह की अलाउड तो होती है, ये आपको पता है। तब ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये थर्मली जब सिमेट्री फॉरबिडन है तो थर्मली तुरंत फॉरबिडन, थर्मली ये फॉरबिडन। अब इंटरफेशियल में देख लेते हैं इसको, इसमें प्लस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें माइनस, ये हमारा पहले से जो हमारा शाही थ्री था ये वाला। अब हम इसमें देखिए, इसमें माइनस प्लस था, इसको इन्वर्ट करा दें, ये प्लस ऊपर कर दें, माइनस नीचे कर दें, प्लस यहाँ पर, माइनस यहाँ पर। तो आप देखिए ये प्लस से प्लस और नीचे ये माइनस से माइनस, यहाँ पर सिमेट्री अलाउड। जब सिमेट्री अलाउड हो गई तो ये थर्मली अलाउड हो जाएगा। ये हो गया हमारा थर्मल कंडीशन में सुपरफेशियल, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन थर्मली अलाउड होता है, और थर्मल में सुपरफेशियल, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन थर्मली फॉरबिडन होता है। थर्मल कंडीशन में इंटरफेशियल थर्मली फॉरबिडन, इंटरफेशियल ये रिटेंशन में, और थर्मल कंडीशन में इंटरफेशियल इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन थर्मली अलाउड होता है। ये है थर्मल कंडीशन की। अब हम देख लेते हैं फोटोकेमिकल कंडीशन में, इस थर्मल को बनाया फोटोकेमिकल, ये नंबर एक, इसको कर दें नंबर दो। फोटोकेमिकल
एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, और ये वाला होमो ये हो जाएगा, इसमें साई फोर होमो। तो अब ये वाला एक माइनस यहाँ पर आ जाएगा और ये प्लस यहाँ पर। फोटोकेमिकल में सिर्फ कहाँ कहाँ डिफरेंस आ रहा है बस मैं वहीं पर उसको बना रहा हूँ बस। ये प्लस है तो इसमें यहाँ पर आएगा माइनस, ये वाला हो जाएगा माइनस, ये वाला हो जाएगा प्लस, इसमें भी हो जाएगा वही, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस। तब अब क्या होगा, ये प्लस से प्लस बॉन्डिंग था, इधर प्लस से माइनस, ये नॉन बॉन्डिंग, तो सिमेट्री इसकी अलाउड थी, प्लस से प्लस, प्लस से माइनस, तो सिमेट्री हो जाएगी इसकी अब फॉरबिडन। ये सिमेट्री अलाउड थी, ये हो जाएगी फॉरबिडन। ज्योमेट्री तो अलाउड होती है, अब ये फोटोकेमिकली है तो थर्मली अलाउड था, तो अब फोटोकेमिकली फॉरबिडन, इसको अब आपको ध्यान में रखना है। फोटोकेमिकली क्या हो जाएगा, फॉरबिडन हो जाएगा। जो थर्मल में अलाउड होता है वो फोटोकेमिकल में फॉरबिडन होता है, और जो फोटोकेमिकल में अलाउड होता है वो थर्मली में फॉरबिडन होता है। तब ये प्लस से प्लस और ये प्लस से प्लस, तो इसकी सिमेट्री क्या हो जाएगी, अलाउड हो जाएगी, सिमेट्री हो जाएगी अलाउड। फोटोकेमिकली अलाउड हो जाएगा, ये जब सिमेट्री अलाउ हो गई तो फोटोकेमिकल कंडीशन में ये अलाउड हो जाएगा। ये हो गया रिटेंशन का, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का, अब देखते हैं इन्वर्जन में। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ये हो जाएगा प्लस, अब ये प्लस से प्लस और ये माइनस से माइनस, तो सिमेट्री क्या हो गई, अलाउड। ये प्लस से प्लस और माइनस से माइनस, सिमेट्री अलाउड, और फोटोकेमिकली थर्मली फॉरबिडन था तो फोटोकेमिकली अलाउड हो जाएगा ये। इसमें क्या होगा, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, अब ये प्लस से प्लस और ये माइनस से प्लस, तो सिमेट्री इसकी अलाउड थी तो सिमेट्री फॉरबिडन। जब सिमेट्री फॉरबिडन है तो फोटो थर्मली पहले अलाउड था, अब फोटोकेमिकली ये फॉरबिडन हो जाएगा, ये हो जाएगा फोटोकेमिकली फॉरबिडन, फॉरबिडन यहाँ पर लिख लें। तो ये हो गया हमारा 1315 4n प्लस 2 का। तो अब देख लेते हैं इसका सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल क्या है, कैसा है, मैंने यहाँ पे लिखा है, उसको समझाना बाकी सिर पर। 4n में क्या आएगा, 4n में है 13 हमारा और हमारा 17, और 4n प्लस 2 के अंदर आएगा हमारा 15। एम प्लस एन, 4n सिस्टम, ये इसके लिए, ये थर्मली अलाउड, ये फोटोकेम के लिए अलाउड। तो एंट्राफेशियल रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में थर्मली अलाउड होता है, और सुपरफेशियल में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन थर्मली अलाउड होता है। ए मतलब इंटरफेशियल, आर मतलब रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, एस मतलब सुपरफेशियल, आई मतलब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गया हमारा थर्मल कंडीशन में 4n के लिए। अब हम देखते हैं फोटोकेमिकल के लिए 4n में क्या होगा। तो वो सुपरफेशियल रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फोटोकेमिकली अलाउड होगा, और इंट्राफेशियल में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फोटोकेमिकली अलाउड होगा। जो मैंने अभी बताया है अब उसे रिलेट करके देखेंगे, उससे मिलाकर देखेंगे, तो ये सिलेक्शन रूल इससे मिलता है। ये 4n प्लस 2 में सुपरफेशियल रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में थर्मली अलाउड होगा। 4n प्लस 2 रिएक्शन यानी कि 15 वाली जो है वो इंट्राफेशियल इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन थर्मली अलाउड होगी, और इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, इंट्राफेशियल रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और सुपरफेशियल इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। ये हो गया हमारा सिलेक्शन रूल। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।